आपका जो केयर होम है वो केयर क्वालिटी कमीशन से रजिस्टर्ड है या नहीं है। इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपका जो केयर होम है वो केयर क्वालिटी कमीशन से रजिस्टर्ड है या नहीं है। कोई पैसा नहीं लगेगा आपके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन्फॉर्मेशन घर बैठे बैठे मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहदेव खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस आपको पता है कि जो पिछले चंद महीनों में जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कोर्स बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और बहुत लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनको इशू हो चुके हैं कोर्स, उनको मिल गए हैं और मेरे कॉन्टैक्ट में भी ऐसे एक दो लोग हैं, उनका इंटरव्यू मैं करूँगा और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, पूरी पिक्चर मैं दिखाऊँगा आपको कि उन्होंने कैसे अप्लाई किया था, क्या क्या स्टेप्स उन्होंने देखे हैं, उसके बाद होम ऑफिस से क्या इन्फॉर्मेशन गेट की है, होम ऑफिस ने क्या उनसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए हैं कि नहीं किए, उसके बाद चार महीने का जो प्रोसीजर था उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस की हैं और फाइनली उनको जब सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिल गया तो अब वो नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों को अभी तक कोर्स इशू नहीं हुआ उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, इंशाल्लाह एक या दो दिन में मैं उनसे इंटरव्यू लेके ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और ऑन टाइम आप ये वीडियो देख के आपकी जो मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन होगी आपको मिल जाएगी। गाइस आपको पता है जो कोर्स डिले हो रहे हैं उनमें बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक रीज़न ये है, दो रीज़न की बात अगर मैं करूँ तो पहले नंबर पे आती है कि आपकी जो कंपनी है उसका लाइसेंस अभी तक एक्टिव है या वो होम ऑफिस ने गवर्नमेंट ने रिवोक कर लिया, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो आपका केयर होम है फॉर एग्जांपल, तो वो केयर होम आपका केयर क्वालिटी कमीशन से रजिस्टर्ड है या नहीं। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं और क्योंकि पिछले कुछ अरसे में बहुत बड़ी तादाद में होम ऑफिस ने जो केयर होम से यहाँ पर उनके जो लाइसेंस थे वो कैंसिल कर लिए हैं, गवर्नमेंट ने उनके लाइसेंस को रिवोक कर लिया, रिवोक मीन के उनके लाइसेंस को उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था उनके जो कोर्स थे वो बहुत ज़्यादा डिले में चले गए हैं। तो आप, मैंने एक वीडियो बनाई हुई, आप देख सकते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे कि आपकी जो कंपनी है वो एक्टिव स्टेट में है भी या वो कैंसिल, उसका जो लाइसेंस है बेसिकली वो एक्टिव है या वो कैंसिल हो गया है, आप वो देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ में जाके। अभी चंद दिनों पहले मैंने वो वीडियो अपलोड की है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि जो केयर क्वालिटी कमीशन से आपकी जो कंपनी है जो केयर होम है आपका, वो रजिस्टर्ड होना लाजमी है, तो क्या वो रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड वो नहीं है, ये काम भी आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ चंद क्लिक्स के ऊपर आपने क्लिक्स करने और आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ वहाँ पर जाके कि आपने कैसे चेक करना है कि आपकी जो केयर होम है आपका वो केयर क्वालिटी कमीशन से रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो जी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो लोग केयर वीजे पर यूके आना चाह रहे हैं, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। गाइस आपने सबसे पहले गूगल पर जाकर लिखने हैं जी CQC UK, ठीक है, CQC मीन केयर क्वालिटी कमीशन। तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे जाके ये आपको मिलेगा जी, केयर क्वालिटी कमीशन की वेबसाइट मिल जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जी ये इंटरफेस कुछ ऐसे आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर लिखना है जी अपनी हेल्थ केयर का जो आपकी कंपनी है उसका नाम लिखना है जी। तो साथ में आप चेक कर सकते हैं कि इसकी रेटिंग क्या है, ओवरऑल रेटिंग क्या है, इसकी गुड आ रही है, बैड आ रही है, कोई इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो मैं एक जो केयर का नाम है जी उसका लिखता हूँ जी, उसका नाम लिखता हूँ जी, कार्टेलो नाम है, कार्टेलो एडम्स लिमिटेड। तो मैं जस्ट यहाँ पर कार्टेलो भी लिखूँगा तो वो आ जाएगा, कार्टेलो मैंने यहाँ पे लिखा, गो मैंने किया। तो ये यहाँ पे जी टू रिजल्ट्स फाउंड कह रहे हैं जी इस तमाम सर्विसेज में। तो जी एक कार्टेलो एम्बुलेंस है, ये कार्टेलो एडम्स लिमिटेड, ये आ गई, ये मुझे चाहिए था। तो ये कह रहे हैं जी कार्टेलो एडम्स लिमिटेड आल्सो नोन एज कार्टेलो एम्बुलेंस, इस नाम से भी ये जानी जाती है, ठीक है। तो ये जी ओवरऑल रिक्वायर्स इम्प्रूवमेंट, वो कह रहे हैं जिसको जो सर इम्प्रूवमेंट चाहिए उसको। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि रेटिंग ऐसे उन्होंने की हुई है, आउटस्टैंडिंग के लिए ये निशान उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, दिस सर्विस इज़ परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल। तो ये आउटस्टैंडिंग के लिए, फिर एक गुड के लिए भी है, एक रिक्वायर्स इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे लिखा है जी द सर्विस इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज वेल एज इट शुड एंड वी हैव टोल्ड द सर्विस हाउ इट मस्ट इम्प्रूव। तो ये बता रहे हैं जी जो रिक्वायर्स इम्प्रूवमेंट होती है उसका मतलब है कि वो
जो उनको जैसे उनको इम्प्रूव करना चाहिए था वो इम्प्रूव नहीं कर रहे, जैसे उनको कह लें कि परफॉर्म करना चाहिए था। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ जी रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट के लिए, ये एक तरह का अंबर का साइन है, येलो कलर का, लाइक येलो तो खैर नहीं है, लाइक काइंड ऑफ ऑरेंज है, तो लाइट ऑरेंज कलर है जो दिया है उन्होंने। फिर उसके बाद एक आती है जी इनएडिक्वेट आती है, फिर उसके बाद आता है जी लास्ट में नो रेटिंग, अंडर अपील या रेटिंग सस्पेंडेड, तो ये सारी उन्होंने दी हुई है। मैं यहाँ पे एक और कंपनी ले लेता हूँ दिखाने के लिए आपको, और भी आप देख लें। सर्च अगेन मैं दोबारा करूँगा, यहाँ पर मैं जाके लिखता हूँ जी नेविगो, नेविगो हेल्थ एंड सोशल केयर, ये इसका नाम है जी पूरा। तो यहाँ पे जी बता देगा जी नेविगो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस है, और क्या जी ये नीचे नेविगो हेल्थ एंड सोशल केयर CIC, मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो इसकी बता रहा है जी रेटिंग ओवरऑल गुड बता रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे कि ये आपकी जो कंपनी है वो केयर क्वालिटी कमीशन में रजिस्टर्ड है या नहीं है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑनलाइन तरीका ये आप घर बैठे खुद भी चेक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये थी आज की वीडियो, से उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो लोग केयर वर्कर वीज़ा पे UK आ रहे हैं, ताकि उनको भी पता हो कि उनकी जो कंपनी है वो CQC से रजिस्टर्ड है या नहीं है, ताकि बाद में उनको कोई दिक्कत पेश ना आए। तो देखते रहिए मेरा चैनल DC Boy in UK।